And today I'm going to celebrate my birthday all alone. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is your Shashank and welcome back to my channel जिसका का नाम है SM Blocks. So today is 30th of March 2020 and lockdown का period मस्त आराम से चल रहा है. अभी 14 दिन का all lockdown बचा है. 14 नहीं, टेक्निकली 15 दिन का. यस, 15 दिन का लॉकडाउन और बचा है. अभी ऐसी उम्मीद, मतलब ऐसा सुनने में आया कि लॉकडाउन जो है 3 महीने तक बढ़ेगा. सो भैया देखो, अब आ रही है घर की याद. पहले तो बकचोदी में देखो रुक गए थे, यहाँ पर घर नहीं गए थे, और अब आ रही है देखो घर की याद अपन को. और मैं जाना चाहता हूँ, सीरियसली मैं जाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ, बट जा नहीं पा रहा हूँ. क्यों? आप सबको पता है कि भैया देखो लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के टाइम पे अगर जाओगे बाहर तो सूजी हुई लेकर के आओगे, सूखी हुई लेकर के जाओगे, सूजी हुई लेकर के आओगे मस्त आराम से. अब डिसाइड कर लो, सूजी हुई चाहिए या फिर सूखी हुई चाहिए. और इस शाम को इतने मच्छर क्यों आ जाते हैं आज तक साला समझ में नहीं आया है. ये देखो साले तेरी माँ का. बट हाँ, एक चीज़ जो अच्छी लग रही है इस टाइम पे लॉकडाउन में, दैट इज़ कि ये एकदम स्काई एकदम क्लियर हो गया है. और भाई साहब जिंदगी मतलब एकदम सुकून भरी हो गई है. ना कोई चेप हो गाड़ियों की, ना कोई भी पॉल्यूशन, ना कुछ. वैसे ये ज़रूरी था, कुछ भी कहो, ये जो ब्रेक जो पॉज था ना, ये बहुत ज़रूरी था. लेट मी शो यू कि मेरी छत से जो व्यू है वो कैसा है. ऑलराइट, सो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है. आज का नेक्स्ट काम यही है अपना, मस्त आराम से लाइव सेशन करेंगे. बढ़िया इंस्टाग्राम पे परफेक्ट चल रहा है अभी. देखो जी, आपको भी दिखाते हैं. Here we go. Life is going great. Yes. Hi everyone. और जो लोग मतलब अभी लाइव पे हैं, वो लोग मस्त आराम से जाकर के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं. मैं लाइव पे हूँ, मैं बर्थडे मिस कर रही हूँ. ओके, सो इट्स 12 AM एंड या आई एम लाइव एंड भाई लाइव. यस यस यस, हैप्पी बर्थडे. नशे का तो कुछ ज़्यादा ही है हमारे फ़ोन. आज की अपनी चॉकलेट्स हम अकेले खुद ही लेकर के आया हूँ, खुद ही खाऊंगा. और ये मेरे साथ में एक और मेरा भाई है जिसका सेम डे आज बर्थडे है, तो उसके लिए भी एक है चॉकलेट. सो किशन, हैप्पी बर्थडे ब्रो. भाई साहब अपना बर्थडे जो है इससे अच्छा मन ही नहीं सकता. बाकी का आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पहले हम लाइव खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, टुडे इज 31st of March 2020 एंड भाई साहब देखो आज है तुम्हारे भाई का बर्थडे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माय बर्थडे ऑल अलोन. तो अभी मैं बताने वाला हूँ ये बर्थडे मेरे लिए क्यों खास है. सीधी सी बात है, देखो ऐसा बहुत कम लोगों की किस्मत में हुआ कि जिसका बर्थडे जो है लॉकडाउन के पीरियड में आ रहा हो, पहली चीज़. दूसरी चीज़ की नेचर अपने आप को हील कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है. और तीसरी चीज़ की अकेले रहना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में. जब आप अकेले होते हो ना, तो उन सवालों के आपको जवाब मिलते हैं जिनके जवाब आपको नॉर्मल डेज में नहीं मिलता है. इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी में सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. पहले तो देखो भाई साहब मस्त आराम से बकचोदी में रुक के कि ऐसा ही घर जाकर क्या मिलेगा. सीधी सी बात है, यहाँ रहो मस्त आराम से, फ्लैट पे पड़े रहो, रूम पे आराम से, हॉस्टल में, और जो करना है वो करो. घर पे कौन सी इतनी फ्रीडम मिल रही है. सीधी सी बात है, घर पे भैया फ्रीडम थोड़ी ना मिली. लेकिन असलियत ये नहीं है, मैं पढ़ने लिखने वाला इंसान हूँ, तो मैंने ना ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की. हमारे कॉलेज वालों ने, बहुत महान इंसान है उन, मतलब एक ही ट्यू वालों को नहीं पता है कि भाई साहब सेमेस्टर होगा नहीं होगा, लेकिन कॉलेज वालों को पता है कि जो है सेमेस्टर होगा. तो उन्होंने ना ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी. समझ भी नहीं आया ये हमारे लिए. हमने तो सोचा था कि भैया ये क्वारंटाइन टाइम जो है वो नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला है, बट यहाँ तो नेटफ्लिक्स ना चिल है, यहाँ तो बस पढ़ाई है. अब देखो भैया सीधी सी बात है, इतना अगर अकेले हैं, जन्मदिन की बात है, तो थोड़ा सा तो प्यार बनता है तुम लोगों की तरफ से. यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को. तो जी अभी देखो ऐसा सीन है कि अभी जाऊंगा मार्केट, तो केक तो मिलने से ही ना पेस्ट्री मिलेगी, तो सोच रहा हूँ जो कप केक आती है ना वो अगर मिल गई तो वही ले आऊँगा मस्त आराम से. एक कैंडल वगैरह देखूंगा, जलाऊंगा तो जलाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं. चलो ओके भैया जी, तो सीन है कुछ ऐसा हुआ है कि हमने बहुत कोशिश की कि हमें जो है कप केक या कुछ ना कुछ मिल जाए, ऐसा मिल जाए जिससे हम जो है शगुन के लिए बर्थडे मना सकें, या फिर केक के नाम पे, मतलब कप केक ही काट लो. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं मार्ट गया, वहाँ भी नहीं मिला. मिल रहा था दैट इज़ की, बट उसकी एक्सपायरी डेट यार 1st अप्रैल थी, एंड उसके अंदर 6 पीसेस थे. 6 पीसेस का मुझे कुछ करना नहीं था, और इतने मैं कप केक के बारे में खाता नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैं लेकर के नहीं आया. तो सिंपल सी चीज़ है यार, अकेले मनाने का भी अपना ही एक्सपीरियंस. और इस बार तो मैं इतना लकी हूँ, लाइक आई फील लकी, कि क्योंकि आई डोंट नो लाइफ में इसके अलावा अभी कोई मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे टाइम का, कि भाई साहब जिस टाइम पे पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन पड़ा और नेचर जो हील अप करा, उस टाइम पर आप बर्थडे मना रहे हो नेचर के साथ, मस्त आराम से बैठे हो अकेले, और आपको जो भी करना है वो कर रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर एक्सपाइजी थिंग जो भी आपको करनी है
वो कर रहे हो। नो मुझे ट्रैवल करना पसंद है एंड मैंने बहुत अच्छा मैंने सोचा भी था कि आइदर आई विल गो गोवा और ओली उत्तराखंड, बट कोई बात नहीं, कोरोना वायरस के चक्कर में भाई साहब कहीं नहीं जा पाए। बट एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही ये कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होता है मैं तुरंत ट्रिप पे जाने वाला हूँ, ये अभी से मैं ऐलान करता हूँ। एंड कोरोना वायरस है तो देखो भाई साहब, ये जो है ना, ये सैनिटाइज़र, इसको मस्त आराम से ऐसे करके सैनिटाइज करते रहो अपने हाथों को, बहुत ज़रूरी है। तो अकेले रहने के भी अपने अपने फ़ायदे हैं कि क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ना, टू बी फ्रैंक, मेरे हिसाब से इंसान को अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि वो अकेला रहे, चाहे दिन में 2 घंटे के लिए रहे एंड थोड़ा सा काम रह करके अपने बारे में सोचे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप अकेले हो तो आपके ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब वहीं पे मिलते हैं जब आप अकेले शांति से अपने अपने साथ में बैठे होते हो। क्योंकि जब दिल में यहाँ पे लगती है ना चोट, तो उसका इलाज भी आपके आपके पास ही होता है और आप ही कर सकते हो, आउटर वर्ल्ड नहीं कर सकता जब अंदर जब चोट लगती है। सो सिंपल सी चीज़ है, आज के बर्थडे पर मैं केवल आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि देखो भाई साहब, ज़िंदगी में अकेले रहना सीखो, बहुत ज़रूरी है। चाहे दिन के 2 घंटे रहो अकेले, टाइम निकालो अपने लिए 2 से 3 घंटे, जिसके अंदर आप वो करो जो आपको पसंद है करना। आपको ना XYZ कोई भी चीज़ काम, कोई भी काम आपको करना पसंद है वो काम करो। बाकी का पूरा दिन, चाहे आप जॉब कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो आप दूसरों के लिए कर रहे हो या फिर वो आप लाइक वो आप अपनी पॉकेट के लिए कर रहे हो। लेकिन जो ये जो 2-4 घंटे जो मैं मांग रहा हूँ ना आपसे, जो आप अपने साथ में बैठ करो, वो आप अपने पैशन के लिए कर रहे हो, जिसके लिए आप ज़िंदा हो, जो आप करना चाहते हो, जो आपने सपने देखे हैं ड्रीम के लिए, वो जरूर करो। और आज बर्थडे है तो थोड़ा सा तो यार प्यार दिखाना बनता है ना, कर दो सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो मस्त आराम से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टिल देन। Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of your needs.